ज्यादा बैठे जो आदमी बैठने वाला होता है दिन रात, वह रजोगुण वृत्ति से आक्रांत होता है। अक्सर बाबा लोग जो होते हैं और नेता लोग, बाबा नेता दोनों एक होते हैं, ये दोनों जो हैं रजोगुण वृत्ति से रहते हैं, सोचते रहते हैं हमारा वोट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ करें, यहाँ पर कुछ करें, वैसे कर कुछ करें, यह बस सोचते रहते हैं। इसलिए तुम लोग यह उपाय बता दिए, सोचे सोच न हो वही जो सोचे लखबार, गुनगुनाते रहो गुनगुनाते रहो, देखेगा तुम्हारी सोचने जो है एक क्षण में तुम विलीन हो जाएगा, और जब विलीन हो जाएगा तुम मस्ती में हो जाएगा, और जब मस्ती में होगा तब तुम्हारे अंदर से किधर निकलने लगेगा एक ओंकार सतनाम, वह एक ओंकार ही है। वेद तो ओंकार कहा है, कृष्ण प्रणव कहा है। अरे पीछे मैं कह चुका हूँ, भगवान कृष्ण कहे हैं वेदों में मैं ओंकार हूँ। वेद जाते हैं जाने दो, ओंकार बच गया सारे वेद का सृजन हो जाएगा। इसलिए यह समझो जो ये लोग सूत्र कह गए हैं, इन सूत्र को अपनाना होगा, देखना होगा। देखो हम लोग जो है प्रकृति को पकड़ते हैं, परमात्मा को नहीं पकड़ते हैं। सिकंदर जब मरा तब मरने के बाद कहा कि मेरा हाथ बाहर कर देना। लोग कहे कि ऐसा क्यों, कहा कि इसलिए कि जब मेरा हाथ मजल से बाहर करेगा ले जाएगा तो इस तरह खाली हाथ लटका रहेगा ना, तो लोग देखेंगे कि बड़ा हम जीते हैं, बड़ा प्रकृति को पकड़े हैं, बड़ा राज दौलत को पकड़े हैं, लेकिन जा रहे हैं खाली हाथ। इसलिए बहुत लोगों को लेसन मिलेगा कि यह धन दौलत रुपया पैसा लोग लड़का कुछ नहीं साथे लगेगा, जाना है वहाँ अकेले। लेकिन हम लोग सब इसके चक्कर में ही लगे रहते हैं अपने अहंकार के पूर्ति में। देखो एक बहुत बड़ा गोला बना दो, उसके बाद एक छोटा गोला बना दो, जो बहुत बड़ा गोला है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसके अंदर एक छोटा गोला बनाओ, उस समझ लो वह पृथ्वी, वैसे वैसे हजारों पृथ्वियां उस ब्रह्मांड में है, उस परम ब्रह्म के अंदर में है। तुम जरा अपना अस्तित्व ठीक से समझो मैं जो बता रहा हूं। एक बड़े गोले ब्रह्म को, उसमें एक छोटा गोला अपना पृथ्वी बना लो, उस पृथ्वी उस छोटे गोले में एक छोटा गोला और बना लो, उसमें अपना इंडिया लिख लो, उस इंडिया में एक छोटा गोला और बना लो, अपना स्टेट लिख लो, उस छोटे गोले में एक और छोटा गोला उस स्टेट में अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लो, उस छोटे गोले में एक डिस्ट्रिक्ट और एक अपना छोटा गोला बनाओ, उसमें अपना ब्लॉक लिख लो, उसमें और एक छोटा गोला बनाओ, उसमें अपना ग्राम पंचायत लिख लो, उसमें एक और छोटा गोला बनाओ, उसमें अपने गांव में एक बिंदी दो कि उस गांव में तुम्हारा यह घर है, एक बिंदी के लायक ना होगा। अब उसमें तुम उस बिंदी में तुम्हारे घर में वो तुम 10 आदमी हो, उसमें अब कौन सा बिंदी देगो तुम्हारा क्या अस्तित्व है, समझ लो। उस बिंदी में कौन बिंदु देगो अपने लिए कि हम भी हैं, कहीं आ रहा है। अब तुम जरा अपना अस्तित्व देख लो, तुम्हारा क्या अस्तित्व है। इस विश्व ब्रह्मांड में एक बिंदी के रूप में भी तू खड़ा किया जाए तुम नहीं हो, इस पर इतनी बड़ी अहंकार चल रही है, इतनी बड़ी सोच चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, पंचवर्षीय योजना चल रहा है तुम लोगों का। असली जो परमात्मा की जो है वह चला नहीं रहे हो। इसलिए यहां पर कबीर साहब भी कह रहे हैं जिस बात को, वही बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी, देखो माया जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। बेल जो है ना, बेल देखा है, लतर बेल जो लगाएगा नीचे, वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाएगी और पेड़ के ऊपर पूरी छाप जाएगी। जब धीरे धीरे वह चढ़ती है तो पेड़ बड़ा खुश होता है, देखो ना बेल हमको पकड़ रही है, चारों तरफ से घेर रही है। और जैसे ही बेल तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती है, छा जाती है, तुम लगते हो चिल्लाने का मेरा मुक्त करो, अब कोई मुक्ति का उपाय नहीं है सुखने के सिवा। माया वही है, माया धीरे धीरे पकड़ती है, और धीरे धीरे जब पकड़ती है तो तुम बड़ा खुश होते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे कपार पर चढ़ जाती है दुखी हो, तुम नीचे से चढ़ती है। परमपिता परमात्मा ऊपर से नीचे उतरता है, इसलिए हमने डिवाइन सीक्रेट साइंस जो दिया है उसमें सारे देवास्त्र दिव्यास्त्र ऊपर से दिया गया है, वह ऊपर से उतर रहा है। जो ऊपर से उतरेगा वह ब्रह्म होगा, नीचे से जो जाएंगे वह जो है माया होगी। तुम्हारी आज तक साधा माया की है,
आज तक की साधना तुम्हारी माया की है, इसलिए तुम माया में भ्रमित रहता है। जब ऊपर से वह देवास्त्र दिव्यास उतरता है तो वह माया छिन्न भिन्न होने लगती है, तब तुम्हारा ध्यान लगेगा। अब ध्यान की विधि जो पूछ रहा था, ध्यान जो है ऊपर जब चाहेगा वह ऊपर से उतारेगा तभी ध्यान लगेगा, अन्यथा तुम माया में रहेगा और सोचते रहेगा, सोचे सोच न हो वही जो सोचे लखबार। तो इसलिए अब तुमको यह बताया बिना दिव्य गुप्त विज्ञान में, इसलिए हम जान के साइंटिफिक दिए हैं कि परमात्मा ऊपर से उतरता है, सूर्य की रोशनी ऊपर से उतरती है, ब्रह्मविद की जो वेद की ऋचाएं हैं ऊपर से उतरी है, सब ऊपर से उतरता है बच्चा। यह ब्रह्मवाणी ऊपर से उतरता है, माया नीचे से चलती है, तुल नीचे से चक्कर में पड़ता है। माया खंड खंड में पाया जाता है, ब्रह्म को पूर्ण से पाया जाता है। ब्रह्म पूर्ण है इसलिए पूर्णता से पाया जाता है। तुम जब पढ़ते हो तो खंड में एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास में जाते हो, नौकरी करते हो खंड खंड में प्रमोशन होता है, पैसा कमाते हो खंड खंड में कमाते हो, घर मकान बनाते हो खंड खंड में होता है। यह सब माया है और वह परमात्मा पूर्ण है। जब ऊपर से दिव्यास उतरता है तो पूर्ण उतरता है, खंड में नहीं उतरता है दिव्यास, तुम देखो पूर्ण उतरता है और उतरते ही तुमको पूर्णत्व को प्राप्त कराने की क्षमता रखता है, इसलिए परमात्मा। लेकिन तुम मन के चक्कर में रहता है, मन बुद्धि और अहंकार। पीछे मैं श्लोक में कह चुका हूं, कहते हैं भगवान कृष्ण पांच तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ, आठ से तुम निर्मित हो और आठ ही माया का खेल है। यहां तक तीनों आठों यह माया है, इसीलिए हम लोग अष्टमी मनाते हैं कि इन आठ से निकलेगा तो नौ में पहुंच जाएगा, वो नौवा जो है गुणातीत है, मायातीत, इसलिए उसको मायातीत भी कहा गया है। तो देखो तुम जो हरदम डगमग में रहता है यह प्रकृति में रहता है, मन न डगमग में रहता है, इसे जब तुम्हारा मन डगमग में रहता है तब इसका गुनगुनाओ, डगमग छाड़ दे मन बौरा, सती हो उनको ले हाथ सिंधोरा, इसको गुनगुनाओ जब मन डगमग रहता है। आगे पथ पथ हो पीछे क्या मुड़े, फिर मुड़े, जब सन्यास ले लेता है आगे चल देता है तो पीछे मुड़ मुड़ क्या देख रहा है। सती जब जलने के लिए जाती है, सती होने के लिए जब चलती है तो हाथ में सिंधोरा लेकर चलती है, सिंधोरा, और पीछे मुड़कर नहीं देखती। सन्यास जो है सती से भी बड़ा बड़ा धर्म है, परमात्मा के पथ पर चलने वाला जो है इसे भी बड़ा कठोर धर्म है। परमात्मा प्रकृति अवरोध उत्पन्न करती है, यह प्रकृति के अधीन जितना भी होता है वह तुमको लोभ लालच काम क्रोध मद मोह लोभ अवरोध खड़ा करते हैं, यह प्रकृति का है। इसलिए कहा है तुदियम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयम, तुम उस गोविंद को पूरा सौंप दो, मत माया के चक्कर में मत पड़ो, मत लड़ो। कबीर साहब कहते हैं तेरा तुझे सौंप या मेरा लागत है क्या, जब उसे पूर्ण रूप से अपने को सौंप देगा, गुरु गौ को सौंप देगा। कहा कि मैं बहुत सोचा जन्मों में, सोच सोच कर थक गया, अब हमारे सोचने से नहीं हो रहा है, अब आप पर मैं सोच दिया, जो कहूँ कहेंगे वही मैं करूँगा, बस देखो झट से जिस दिन मैं तुम सोचना छोड़ देगा, जिस दिन तुम अपना पूरी गुरु को सौंप देगा, अपने को सरेंडर कर देगा, उसी दिन जो है वह परमात्मा तुमको गोद में उठा लेगा और माया तुम्हारे चारों तरफ चावर लेकर खड़ी हो जाएगी, अब तुम्हारी सेवा में लग जाएगी। तुम क्या चाहते हो, क्योंकि वह राम की बहुरिया है, राम तुम्हारा पिता है, इसलिए वह तुम्हारी मां हुई, इसलिए उसके साथ दंडता मत करो, बड़ी श्रेष्ठ है, इसीलिए उसी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग दुर्गा का पूजा करते हैं। दुर्गा प्रकृति है, आदि शक्ति है, मां के रूप में पूजा करो, उसके साथ छेड़खानी मत करो, अपनी कोई कामना मत रखो, लेकिन तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट राम होना चाहिए, परमात्मा हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग संत लो, सारे जो संत हुए हैं दादू दरिया कबीर नानक जो भी हुए हैं गुरु, वे सब के सब कहते हैं परमात्मा में छलांग लगा जाओ, परमात्मा पूर्ण है, तुम डायरेक्ट छलांग लगा जाओ। लेकिन तुम कहता कि नहीं हम धीरे धीरे चढ़ेंगे गुरु जी, सीढ़ी पर चढ़ेंगे, परमात्मा सीढ़ी पर चढ़ने वाला चीज नहीं है, सीढ़ी पर चढ़ने माया में चढ़ते हो, खंड खंड में माया को प्राप्त करते हो, तुम अखंड हो,
इसलिए अखंड को प्राप्त करते छलांग लगाओ, जंप लगाओ। और जब कहेगा नहीं हम जंप लगाएंगे तो टूट जाएगा पैर हाथ, नहीं, जैसे ही तुम उस पर पूर्ण विश्वास करके जंप लगाता है वह तुम्हें अपने गोद में भर लेता है, और वह गोद में भर लेता है वह पूर्ण है, तो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। यह सीधा साधा मेथड है, लेकिन हम लोग खंड में चलते हैं। मीरा को तो अपना कोई लड़का नहीं था, उसके बड़े भाई का लड़का मीरा का ही लड़का हुआ राज परिवार में। जब वह गद्दी पर उदय प्रताप, महाराणा उदय प्रताप बैठा गद्दी पर, मीरा को इतना ही कहा था कि माताश्री, जानते हो राज परिवार में कोई अपने माँ से भी नहीं मिल सकता है, जल्दी बाप से भी नहीं मिलता है, परमिशन लेना पड़ता है कि माताजी से मैं मिलना चाहता हूँ। फिर नौकरानी आएगी सुबह 8 बजे मिलेगा पिता, तो वो जाएगा मैं पिताश्री से मिलना चाहता हूँ, तो माँ जाकर पिता से अपॉइंटमेंट लेगी, बता देगी तुमको पिताजी 9 बजे बुलाए, वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर बैठे रहें। ये नहीं कि तुम्हें कई कोठरी खुद से न मिल गया माँ से, खुद से न बाप से, इधर गया तो माँ से, इधर से बाप, गुरुजी माँ यह कह रहे हैं बाप यह कर रहा है, दिन भर फुटबॉल बनाया है। ये राज परिवार में नहीं था, अभी भी बहुत लोग हैं ऐसा ही, कोई हरदम मिलने का सिस्टम नहीं। उदय प्रताप मरने के बाद राणा जब गए थे पर गद्दी पर बैठे, राणा मीरा जी से मिलने का अपॉइंटमेंट लिए हुए, बुलाओ भेजो, वह अपने पूजा गृह में थी, रविदास जी का फोटो लगा था, रविदास जी की पूजा में थे। मैं तुम लोगों से रोज कहता हूं ठाकुर हो, अहंकारी ना हो, ये तुम लोगों से अक्सर मैं कहता हूं क्षत्रिय हो, अहंकारी ना हो। वह रविदास का फोटो देखकर भड़क गया, कहा कि मां अब तुम अति थोड़ा कम कर दो, अति थोड़ा कम कर दे, कहा कि हाँ यहाँ नहीं आएगा जाएगा, टोटो नहीं रहेगा, 2 बार कहा। मीरा शायद जिंदगी में उठी और मच कर एक तमाचा लगा दिया, भाग यहाँ से। राज परिवार में एक राजा हो गया, तमाचा लगाना बहुत बड़ी बात है बच्चा, और तमाचा लगा दिया, भाग यहाँ से, मेरे गुरु के खिलाफ बोल रहा है। राणा चुप चला गया, एक शब्द माँ के खिलाफ नहीं बोला, तुम लोग मारपीट शुरू कर देता, पुलिस तक मामला जाता, चुप लौट आया। मीरा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिस लड़के को मैं खिलाई सेवा की वह लड़का आज यह मेरे गुरु की निंदा किया, और उसी रात सो नहीं पाई वह मीरा जो है, उसी 12 बजे रात्रि को घर पर त्याग करके चली गई वृंदावन। देखो यह भक्ति है, यह गुरु भक्ति है। और जब वृंदावन चली गई तो लोग कहते हैं वृंदावन जिधर वह जाती थी कृष्ण उधर पीछे पीछे दौड़ते थे, नाचते थे, पूरे वृंदावन में छा गई। कुछ दिन के बाद वृंदावन रहने के बाद वह मीरा वहां से, उसमें पैदल की जमाना था, 500 वर्ष पहले वहां से द्वारिका चली गई। इधर राणा साहब, जिसको राणा महाराणा कहते हो, राणा महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा, लक्ष्मी जाने लगी, जय सच्चिदानंद, सब मुसलमानों का भी उपद्रव उन पर होने लगा, लक्ष्मी भी जाने लगी, उपद्रव भी होने लगा, इनकी राज चिंतित हो गए, तुम लोग राजस्थान से जिससे आए। वह अपने पंडितों को बुलाकर मीटिंग किए, मैं क्या करूं, उस राज्य में रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने राज दिया कि राज लक्ष्मी तो चली गई है, तो राज लक्ष्मी के जाने के बाद आपके यहाँ लक्ष्मी कैसे रहेगी, कहे कौन राज लक्ष्मी, तो मीरा जी साक्षात राज लक्ष्मी थी, नारायण तो उनके पीछे पीछे घूमते थे, आपने उनका अवहेलना किया है, आपको वह तमाचा लगाई है, लेकिन खुद वह खेत से भर गई, दुखी दुख से भर गई, इस लड़के को मुझे तमाचा लगाना पड़ा, आज तो वह हिस्सा बंटवारा मांगने लगते हो, केस और मुकदमा करने लगते हो। देखो मीरा का तो हिस्सा था, तब वह राणा ने पूछा कि क्या करें, अब क्या करें, तब पंडितों ने सलाह दिया, देखो ये जो हैं राज दरबार में पुष्प दर पुष्प पंडित रहते हैं, बूढ़े बूढ़े सलाहकार, बूढ़े बूढ़े पंडितों ने कहा कि राज लक्ष्मी को तो बुलाना ही होगा, यदि नहीं बुलाया गया तो राज टिकेगा नहीं, आप लाख प्रयास करें, हम लोग लाख जगह करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है,
बिना राज लक्ष्मी के हम यज्ञ कर नहीं सकते हैं, करें तो भी कोई असर नहीं पड़ता है। तब जो 21 उनके दादा के समय के थे ब्राह्मण पुजारी, उन 21 ब्राह्मणों को भेजा गया, 64 कहार पालकी लेकर चले राजमाता को लेने के लिए। जब वृंदावन आए तो लोगों से पूछा तो सारे वहां के साधु सन्यासी साधु कहे अरे वह तो साक्षात नारायणी है, उसके पीछे पीछे तो कृष्ण भागता है, लेकिन अब तो वह एक आध हफ्ता पहले ही वह चली है, यह है द्वारिका। अब ब्राह्मण लौटे नहीं, वहां से द्वारिका गए। द्वारिका में जब पता लगाए तो वहां के भी ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ आई तो है, अरे उसके आते ही सब लोग जान जाता है क्योंकि उसकी सेवा में तो नारायण खड़ा रहता है, कृष्ण खड़ा रहता है। कहाँ है वह? समुद्र किनारे नाचती होगी और कृष्ण भी नाचता होगा। उसको और कृष्ण को अलग करना बड़ा मुश्किल है। वह मीरा है कि कृष्ण है कहना मुश्किल है। जब ये ब्राह्मण जब गए समुद्र किनारे तो देख रहे हैं कि मीरा जो है अपने भाव में थी, कृष्णमय थी। जब उसका नृत्य समाप्त हुआ, भजन समाप्त हुआ, तब ये लोग कहे गई नजदीक, वह देखकर चौंक गई, कही विप्रू आप कहाँ आ गए? सब लोग नहा जुल कहा कि माता जी आपके लिए। कहा कि मेरे लिए क्या? कहा कि जिस दिन से आप घर से निकली हैं उस घर में आपत विपत का अंबार लगा है। कहा कि मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती हूं जिस घर में मेरे गुरु का निंदा हो रहा है, मैं उस घर को देख नहीं सकती हूं जिस घर में मेरे गुरु के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया गया है, मैं यहां भूखे रह लेती हूं, भीख मांगकर खा लेती हूं, लेकिन गुरु की निंदा मैं नहीं सह सकती। बुजुर्ग ब्राह्मण समझाए माता जी एक लड़का सा गलती होता है ना, लड़का विष्टा करता है तो तुम अपना जांग काटी है, वो कई बार आपके आंचल में विष्टा किया होगा, कई बार पेशाब किया होगा। कहा कि वह लड़का था, अब वह लड़का नहीं है, उसके पिताजी उसके दादाजी ने हम पर कोई प्रहार नहीं किया, आक्षेप नहीं किया, मेरे पूजा पाठ में कोई अंतर नहीं डाला, मेरे भक्ति और भावना में कोई उन लोगों ने उसके पिताजी और दादाजी ने कुछ नहीं बोला, यह लड़का है नलायक है। जिस दिन मेरे गुरु के लिए अपशब्द प्रयोग किया है मैं अपने चित्त से उतार दी। देखो कबीर साहब कहेंगे सबसे बड़ी मार कबीर दिया चित्त से उतार। तुम किसी को श्राप मत दो, बस मत दो, तुमको किसी से कुछ करना है अपने चित्त से उतार दो, क्यों उसका बोझ लेकर चलते हैं? उसका दंड प्रकृति देती है, परमात्मा देता है। बहुत लोग प्रार्थना किए वो मानी नहीं, कहा मैं उस घर में पैर ही नहीं रख सकती हूँ, जिस घर में मेरे गुरु की निंदा है वह घर नहीं है, काल खाना है, जम खाना है। लोग कहे कि आपका भी तो है, आप अपना समझ कर चलिए। कहा कि मेरा अब नहीं रह गया, मैं अपना अधिकार खो चुकी हूं, जहां मेरा है मैं अपने ससुराल आ गई हूं, कृष्ण द्वारिका में है मैं अपने द्वारिका में आ गई हूं, यही मेरा हिस्सा है।